गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर नेम्ड एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लास्ट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट आर टिश्यूज, टिश्यूज होते क्या हैं, टिश्यूज के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी दैट इज, एंड टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑल्सो टॉक्ड दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जिसके अंदर अपन ने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड वन मोर। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? टुडे वी विल टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होते क्या है? तो किसी भी ऑर्गन की जो आउटर और इनर लाइनिंग को सराउंड करने वाले जो टिश्यू होते हैं उन्हीं को अपन एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जस्ट लाइक वी कैन से वी आर सराउंडेड, आर बॉडी इज सराउंडेड बाय द स्किन, सो स्किन इज अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आर इंटरनल ऑर्गन्स आर आल्सो सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज आल्सो कंसिस्ट बाय एपिथेलियल टिश्यू। सो वी कैन से द मल्टीपल ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स एंड दीज लेयर्स आर कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये किसी भी ऑर्गन की इंटरनल और एक्सटर्नल लाइनिंग बनाने का काम करते हैं, सो इन टिश्यू को अपन बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम, इनको जो है अपन एपिथेलियम भी बोलते हैं। बेसिकली जो है ये टिश्यू दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नंबर सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होता है कि यहाँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स की केवल एक ही लेयर पाई जाती है, देयर इज ओनली सिंगल लेयर। There is only single layer of cells, ऐसे epithelial tissue जिनके अंदर केवल एक ही layer पाई जा रही है, cells आपस में मिलकर एक ही layer बना रही हैं, that type of tissues are known as simple epithelial tissues, okay? इनका मेन फंक्शन होता है कि किसी भी organ की internal lining को consist करना। किसी भी organ की जो अंदर वाली जो layer होती है वो लेयर बेसिकली किस लेयर की बनी हुई होती है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, इफ वी टॉक अबाउट लाइक स्टमक, लाइक वी कैन से ईसोफेगस या फूड पाइप, इसके अलावा वी कैन से लाइक वजाइना, एनस, इसके अलावा वी कैन ऑल्सो से ब्लड वेसल्स जितनी भी होती है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, और नेफ्रॉन्स जो होते हैं इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने देखा था कि जो है वो उनकी भी जो है इंटरनल लाइनिंग जो है किससे मिलकर कंसिस्ट होती है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। इसके बाद भी हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो किसी भी ऑर्गन की एक्सटर्नल लाइनिंग को कंसिस्ट कर रहे हैं। ये तो कहां पाए जा रहे हैं? किसी भी ऑर्गन के अंदर ही पाए जा रहे हैं, बट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जा रहे हैं? किसी भी ऑर्गन के आउटसाइड पाए जा रहे हैं। इनके अंदर मल्टीपल लेयर्स पाई जाती है, मल्टीपल लेयर्स हो, मल्टीपल लेयर्स हो सेल। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस निकल कर आ गया है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर तो केवल एक ही लेयर पाई जा रही है, जबकि जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही हैं। ओके, और ये जो लेयर्स हैं सिंपल एपिथेलियल के अंदर अपन देख रहे हैं सिंगल लेयर पाई जा रही है, मल्टीपल के अंदर ये कंपाउंड के अंदर जो है बहुत सारी लेयर्स पाई जा रही है। ये लेयर्स जो है एक मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज आर अरेंज्ड ऑन अ मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट
मेम्ब्रेन। ओके, अब अपन बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा डिटेल से, क्योंकि इनके अंदर सेल्स के लिए पाई जाती है दोनों के अंदर, तो सेल्स जो है वो डिफरेंट शेप और साइज की हो सकती है, सेल्स जो है डिफरेंट शेप और साइज की हो सकती है। इसी बिहाव पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को तीन तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसके पहले जो है अपन को एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में भी जानना जरूरी है। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन होते हैं लाइक सिक्रेशन, इसके अलावा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, और इसके अलावा ये जो है किसी भी ऑर्गन की आउटर कवरिंग को और इनर कवरिंग को भी फॉर्म करने का काम करते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ लाइनिंग, ये कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सिक्रेशन इन द सेंस दैट सिक्रेट्स बिफोर मल्टीपल केमिकल सब्सटेंसेस। प्रोटेक्शन इन द सेंस दे आर सराउंडिंग द ऑर्गन्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ द साइड्स, दैट्स व्हाई दीज आर प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन्स एंड फॉर्मिंग इंटरनल लाइनिंग और एक्सटर्नल लाइनिंग। किसी भी ऑर्गन की अंदर और बाहर वाली संरचना को बनाने का काम भी करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं किसके, एपिथेलियल टिश्यूज के। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड नंबर सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो है सेल्स की एक ही लेयर पाई जाती है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मल्टीपल लेयर्स पाई जाती हैं। सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज बोथ आर सिचुएटेड ऑन अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं अपन, टाइप्स की बात करें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप की सेल्स के कंसिस्ट होते हैं। नंबर वन इज स्क्वैमोस, सेकंड इज क्यूबॉइडल, एंड नंबर थर्ड इज कॉलमनर। नंबर थर्ड इज कॉलमनर। इनके ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि स्क्वैमोस जो होते हैं इनकी शेप स्क्वायर जैसी होती है, लाइक ओके स्क्वायमोस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज विच आर कंसिस्ट बाय स्क्वायर शेप्ड सेल्स। किससे मिलकर कंसिस्ट हो रहे हैं, स्क्वायर शेप्ड सेल्स से मिलकर कंसिस्ट हो रहे हैं, ऐसे टिश्यूज को अपन क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, दीज आर बेसिकली फाउंड इन ब्लड वेसल्स, दीज आर बेसिकली फाउंड इन ब्लड वेसल्स, इसके अलावा एल्वियोलाई, और इसके अलावा किसके पाए जाते हैं, ये एल्वियोलाई के अंदर पाए जाते हैं। आपको दिख भी रही होंगे स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप्ड है, न्यूक्लियस इनके सेंटर के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर जो सारे कंटेंट होते हैं, जो सारा फ्लूइड एक सेल के अंदर पाया जाता है वो सारा का सारा इनके अंदर पाया जाता है, सारे सारे सेल होंगे उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, कि ऐसे टिश्यूज जो कि क्यूब शेप्ड सेल से मिलकर बने हुए हैं, जो कि क्यूब शेप्ड सेल से मिलकर बने हुए हैं, दोज टिश्यूज आर नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, वी कैन से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। इनकी सेल्स जो है क्यूब शेप्ड होती हैं और स्क्वायमोस की जो है स्क्वायर शेप्ड होती हैं। इनके अंदर के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सारी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो सारी सारी पाई जाती हैं। ये बेसिकली जो है नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनकी इनर लाइनिंग बनाते हैं, किसकी इनर लाइनिंग बनाते हैं, ये नेफ्रॉन्स की इनर लाइनिंग बनाते हैं। इसके बाद में थर्ड आ रहे हैं कॉलमनर। कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं वो कॉलम शेप होती है, कहते हैं फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है, फ्लैटन लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से, इस तरीके से डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा। और इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बेस के अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बेस के अंदर। अब तक अपन ने देखा था कि स्क्वैमोस और क्यूबॉइडल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता था, सेंटर के अंदर पाया जाता था,
बट यहाँ पे कोलमनर के अंदर जो है न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है, एट द बेस, और सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। That is the structure of columnar epithelial tissue. So simple epithelial tissue को basically तीन types में divide कर रखा है on the basis of cell. Number one is the squamous, number second is cuboidal and number third is columnar. Okay. अब इसके बाद में जो अपन ये देख रहे हैं last वाले जो दो tissues हैं या दो cells हैं cuboidal epithelial tissues, इनके अंदर कुछ modification पाया जाता है. Modification किस तरीके से कि इनके कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर इनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं इनके ऊपर? सीलिया पाए जाते हैं. इसीलिए जो है इनको सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. इसी प्रकार से जो है कॉलमनर के ऊपर भी जो है सीलिया पाए जाते हैं. तो कॉलमनर को फिर अपन क्या बोल देंगे? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. एक तो सिंपल वे के अंदर अपन ने पढ़ा था कि क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. फिर आगे जो है अपन मॉडिफिकेशन के अंदर देखते हैं तो कुछ क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर क्या पाए जाते हैं? सीलिया. क्या पाए जाते हैं? सीलिया. दीज आर वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, वो पाई जाती है. इसीलिए अब अपन क्यूबोइडल को क्या बोल देंगे? सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू. और इसको अपन क्या बोल देंगे? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. ओके, क्यों? व्हाई? बिकॉज दे आर कंटेनिंग सीलिया. इनके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? सीलिया पाए जा रहे हैं. ये बेसिक सीलिया का फंक्शन होता है कि किसी भी जो सब्सटेंस है, कुछ भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको आगे सप्लाई करना. किसके लिए सप्लाई करना? आगे. और ये पाए किसके जा रहे हैं? बेसिकली दीज आर फाउंड इन नेफ्रॉन्स. इसके अलावा वजाइना की जो इनर लाइनिंग होती है, वजाइना के अंदर भी पाए जाते हैं. इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलते हैं. फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या फंक्शन करते हैं? ये एग को तो जो है ऊपर से, एग को तो जो है ओवरी से किसके अंदर ला रहे हैं? ये यूट्रस के अंदर. और स्पर्म्स को जो है यूट्रस से कहां लेके जा रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेके जा रहे हैं. लिख दिया. सेम थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग इन द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जो है पार्टिकल्स को मूव करने के अंदर हेल्प कर रहे हैं. सो ये तरीके से मॉडिफिकेशन है किसका? क्यूबोइडल एंड एपिथेलियल टिश्यू. क्यूबोइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का. इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन पाया जाता है. समटाइम व्हाट हैपेंस, क्यूबोइडल और कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं. किसको सिक्रेट करते हैं? केमिकल सब्सटेंस को. इसीलिए जो है इनको सिक्रेटरी टिश्यूज भी बोलते हैं. और जैसे हम बात करें इसको फर्स्ट वाले का नाम क्या जाएगा? सिक्रेटरी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू. और इसका क्या हो जाएगा? सिक्रेटरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. ओके, ये केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट भी करते हैं इसलिए इनको सिक्रेटरी टिश्यूज भी बोलते हैं. अब इसके अलावा इनको अपन एक नाम से और जानते हैं, दैट इज गॉब्लेट सेल्स. व्हाई? बिकॉज दीज आर सिक्रेटिंग. सिक्रेशन के बिहाफ पे जो है इनको गॉब्लेट सेल्स भी बोलते हैं. ये म्यूकस का सिक्रेट करते हैं. लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस होता है, उस लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रेट करते हैं. दैट्स व्हाई द सिक्रेटरी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड सिक्रेटरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आर आल्सो नोन एज गॉब्लेट सेल्स. एंड इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ म्यूकस. किसका सिक्रेट करते हैं? ये म्यूकस का सिक्रेट करते हैं. अब यहाँ पर सिंगल सेल सिक्रेट कर रही है, बट कभी कभी क्या होता है एक बंच ऑफ सेल भी जो है एक केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करता है. तो सिक्रेशन के बिहाफ पे भी फर्दर इनको दो टाइप में डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज द एंडोक्राइन सिक्रेटरी ग्लैंड एंड नंबर सेकंड इज एक्सोक्राइन सिक्रेटरी ग्लैंड. अगर ये अपना केमिकल सब्सटेंस बाहर सिक्रेट कर रहे हैं देन दीज आर नोन एज एक्सोक्राइन. अगर ये अपना सिक्रेशन अंदर सिक्रेट कर रहे हैं दीज आर नोन एज एंडोक्राइन.
एक्सोक्राइन का फंक्शन होता है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसको बाहर क्लियर करना, दे हैव डक्ट्स, इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, डक्ट्स पाई जाती हैं, और एंडोक्राइन का फंक्शन होता है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको अंदर सीक्रेट करना, उनके अंदर किसी प्रकार के डक्ट्स पाई नहीं जाती हैं। तो एक्सोक्राइन की अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइक मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ओके, ये सारी तरीके की एग्जाम्पल्स हैं एक्सोक्राइन के। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो अंदर केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती हैं, दे आर पोरिंग देयर सीक्रेशन इनसाइड द बॉडी, ओके। तो सीक्रेशन के बिहाफ पे भी अपन ने देखा है कि गोब्लेट सेल्स भी हैं, गोब्लेट सेल के अलावा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। दीज आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड के अंदर अपन बात करें तो कंपाउंड के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस केवल एक ही डिफरेंस पाया जाता है दैट दीज आर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल, इनके अंदर एक से ज्यादा लेयर्स पाई जाती हैं और इनको डिवाइड किसके बिहाफ पे कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बिहाफ पे इनको डिवाइड कर रखा है। सेल्स बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, थ्री, नंबर वन इज स्क्वैमोस, नंबर सेकंड इज क्यूबॉइडल, नंबर थर्ड इज कॉलमनर। बहुत बार क्यूबॉइडल और कॉलमनर के ऊपर जो है सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए इनको सीलिएटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ओके। इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट, वो हेयर लाइन स्ट्रक्चर जो है सब्सटेंस को मूव करने के अंदर काम में आती है। बहुत बार जो है ये सिक्रेट भी करती हैं, केमिकल सब्सटेंस पोर भी करती हैं, इसलिए इनको सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। अब सिक्रेशन के भी यहाँ पे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, नंबर वन इज एक्सोक्राइन, नंबर सेकंड इज एंडोक्राइन, ओके। अब एक चीज होती है दैट इज जंक्शन। जंक्शन क्या होते हैं कि इन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स के बीच में जंक्शन पाए जाते हैं, और जंक्शन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जंक्शन से क्या होता है, सब्सटेंस आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जहां पे दो सेल ज्वाइंट हो रही है उस प्लेस के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, जंक्शन पाए जा रहे हैं। व्हाट आर देयर, दे हैव जंक्शंस, बिकॉज ऑफ जंक्शन द सब्सटेंस आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज। आज जो है अपन ने एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर ली है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, दो आर कवरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, फंक्शन सिक्रेशन प्रोटेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइनिंग, ओके। दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल जो है सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड मल्टीपल लेयर से मिलकर बने होते हैं, नीचे एक लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल और कंपाउंड दोनों को मल्टीपल कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। दीज ऑल आर डिफरेंट इन शेप्स एंड दीज ऑल आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दीज ऑल आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, ओके। I hope you have understood what are epithelial tissues. This is not so hard. This is very easy. I hope you have understood. Okay. Thanks. Have a nice day.